नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने के लिए आए हैं इंग्लिश सीट का कॉस्ट के बारे में। अगर आप अपने घर में इंग्लिश सीट लगाना चाहते हैं या यूरोपियन सीट लगाना चाहते हैं तो वहां पे इस कमोड को लगाने का आपको कितना पैसा लग जाएगा, ये बहुत लोगों के दिमाग में डाउट रहता है। नॉर्मली हम घर बनाने के बाद हम एक इंग्लिश टॉयलेट लगाना चाहते हैं तो वहां पे ये डाउट रहता है कि हम इंग्लिश कमोड लगाएं तो उसमें हमें कितना पैसा मोटा मोटा खर्चा हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि हम अलग अलग कमोड के बारे में ट्राई करते हैं, पूछते हैं तो उसका दाम का हम आइडिया लेना चाहते हैं और प्लस लगाने का कितना कॉस्ट लग जाएगा बाथरूम में, ये सब कुछ। तो यहाँ पे मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टैंडर्ड जो एक साधारण आपका इंग्लिश टॉयलेट है, एक अच्छा साधारण और एक अच्छा टू पीस जो इंग्लिश टॉयलेट है उसको आपको लगाने में कितना पैसा लग जाएगा, आपको कौन से सामान को लेने में कितना पैसा लग जाएगा, कितना लेबर रेट लगेगा, प्लस आपका जो भी है इसमें जेट प्रेशर से लेकर के कमोड से लेकर के सबका प्राइस मैं आपको बताऊंगा। मतलब टोटल जो है आपका सामान लेने के साथ साथ लगाने तक में आपको कितना खर्चा लग जाएगा टू पीस इंग्लिश कमोड को। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली आप सभी के लिए, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें, दोस्तों सबसे बड़ी बात है। अब यहां मैं लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं आप तो नीचे लाल का बटन है दोस्तों उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल ना भूलें। उसका बेनिफिट क्या होगा कि इस तरह की जो भी वीडियोस मैं लाता हूं अपने चैनल पे नॉलेजफुल आप सभी के लिए, उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पे मिल जाएगा आपको, आप फिर हमारी ये सारी वीडियोस टाइम टू टाइम पे देख पाओगे। तो मैं सीधा वीडियो पे आता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फिर मुझे वीडियो के एंड में आप बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो फिर लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट कीजिएगा, और नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, फिर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, आप सीधा कॉपी पेन के ऊपर लेकर के आते हैं हम। दोस्तों फटाफट से हम यहां पे कॉपी पेन के ऊपर आ चुके हैं और यहां पे हम देख लेते हैं इंग्लिश टॉयलेट सीट के फिटिंग का कॉस्ट। दोस्तों अगर आप इंग्लिश टॉयलेट लगाने वाले हो और इसमें आप सोच रहे हो कि अच्छे से अच्छा लगाएं, तब तो दोस्तों कॉस्ट का कोई अंत नहीं है, कितना महंगा जाएगा कितना महंगा जाएगा इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि अच्छे से अच्छा आता है, अलग अलग डिजाइन का आता है। यहाँ पे डिजाइन में भी वॉल माउंटेड, फ्लोर माउंटेड, इस तरह के अलग अलग आते हैं, इस हिसाब से कॉस्ट उस हिसाब से बहुत अलग अलग बहुत ज्यादा प्राइस तक जा सकता है। यहाँ 2000 रुपये से शुरू होकर के आपका लाख रुपए तक कमोड का प्राइस जा सकता है। तो लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल साधारण जो प्राइस के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि सिंपल साधारण प्राइस में आप लगा सकते हो कितना आपका कॉस्ट आपका लग जाएगा इस सीट को लगाने में, वो आप फटाफट यहाँ देख लीजिए। तो एक अच्छे क्वालिटी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का कमोड जो है आपको यहाँ पे 2000 रुपये से मिल जाएगा सिर्फ, मतलब 2100 रुपये में आपको कमोड मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाता है कमोड में चाहिए आपको और क्या चाहिए, सीट कवर। जब एक नॉर्मल स्टैंडर्ड कमोड लोगे तो उसका सीट कवर आपको अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि सीट कवर का भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कमोड भी आपको शो हो रहा होगा। तो ये सीट कवर जो आपको 450 रुपये तक का एक अच्छे क्वालिटी का सीट कवर आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आता है फ्लश टैंक। फ्लश टैंक जो नॉर्मली आपको लगाना पड़ता है वो आपको 1100 या 1050 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो ये इसका प्राइस है दोस्तों। अब यहाँ पे आ जाता है जेट स्प्रे। जेट स्प्रे का प्राइस आपको पड़ने वाला है यहाँ पे 320 रुपये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। जब भी आप यहाँ पे इंग्लिश कमोड आप जब भी इंग्लिश टॉयलेट यूज करते हो तो जेट स्प्रे यहाँ पे ध्यान रखें दोस्तों। जेट स्प्रे आपको 320 तक का या 350 का अच्छे क्वालिटी का जितना लोगे उतना महंगा बढ़ता जाएगा। यहाँ मैं जो भी आपको प्राइस बता रहा हूँ स्टैंडर्ड एक नॉर्मल क्वालिटी के कमोड के बारे में बता रहा हूँ, बाकी महंगे से महंगा जाते रहोगे क्वालिटी और इंप्रूव होती रहेगी और फिर उससे अच्छा आते रहेंगे, लेकिन ये सिंपल स्टैंडर्ड क्वालिटी के हिसाब से आप इनको लगा करके भी निश्चिंत हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे हैंड स्प्रे भी एक अच्छा हाइजेनिक होता है और इसका हैंड स्प्रे का कॉस्ट आपको 250 रुपये में बहुत आराम से मिल जाएगा, एक अच्छे ब्रांड का मिल जाएगा। हाँ आप और भी अच्छा लेना चाहो तो थोड़ा सा इसको और अच्छा इसमें पैसे लगा करके और बहुत अच्छा ले सकते हो हैंड स्प्रे। हैंड स्प्रे आपका बहुत चीजों में काम आता है, साफ सफाई के भी काम आपको बाद में आ जाता है, आपके कमोड के आसपास को साफ सफाई करनी है तो हैंड स्प्रे से स्प्रे करके आप साफ सफाई कर सकते हो। यहाँ पे एंगल वॉल्व यहाँ पे बहुत जरूरी है दोस्तों। एंगल वॉल्व आपको नॉर्मली 180 से लेकर के 200 रुपये तक में मिल जाएगा। स्टैंडर्ड प्राइस हमने यहाँ पे 190 लिया है, 190 रुपये का आपको यहाँ पे मैंने देखा है कि नॉर्मल मिल जाता है, तो आप 190 रुपये का एंगल वॉल्व ले सकते हैं। और हमें एंगल वॉल्व की जरूरत यहाँ पे दो एंगल वॉल्व की जरूरत पड़ेगी,
जब दो एंगल वॉल्व आप लेंगे तो आपको यहाँ पे 380 रुपए का पड़ जाएगा, क्योंकि 190 रुपए अगर आपने एक लिया तो दो पड़ेगा आपको 380 रुपए का। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको टू वे बिपकॉक भी लेना पड़ेगा। टू वे बिपकॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। टू वे बिपकॉक आपको लेने के लिए प्राइस आपको यहाँ पे 700 रुपए तक में आपको टू वे बिपकॉक पड़ जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टू वे बिपकॉक आपको और अच्छे से चलने जाओगे तो ये महंगा और ज्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड क्वालिटी का 2 वे बिपकॉक 700 रुपए तक में आपको पड़ जाएगा। अब रीड पाइप दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। रीड पाइप हमेशा लोग इसमें क्या करते हैं, सस्ता काम चलाऊ ले लेते हैं। मेरा कहना यह है कि रीड पाइप आप जब भी लो एक अच्छी क्वालिटी का रीड पाइप लो, क्योंकि दोस्तों रीड पाइप सबसे ज्यादा डैमेज होता है, वो सबसे ज्यादा भार होता है, लचीला होता है। काफी बार बच्चे उसको मजे लेने के लिए उसको हाथ छेड़ते हैं और बाद में वो लीक हो जाता है कुछ टाइम के बाद ही वो पुराना होता है, क्योंकि अकड़ जाता है पाइप के अंदर, उसको छेड़ेंगे तो पाइप लीक हो जाता है। तो उसका प्राइस आपको जो पड़ने वाला है 220 रुपए तक में आपको एक अच्छी क्वालिटी का रीड पाइप मिल जाएगा। तो इसलिए आप रीड पाइप में कह रहा हूं दोस्तों, जब भी आप लें तो एक अच्छी क्वालिटी का ही रीड पाइप लें। अब आखिरी यहां पर आते हैं लेबर कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर दोस्तों लेबर कॉस्ट, क्योंकि दोस्तों लेबर कॉस्ट अगर आप लगा के चलोगे तभी आप सही अंदाजा लगा पाओगे कि आपको ये इंग्लिश टॉयलेट सीट जो है ये यहां पे आपको कितना लगाने में आपको कॉस्ट लगेगा। तो यहां पे जब आप लेबर कॉस्ट आपको 1000 रुपए से 1500 रुपए के बीच में आपको पड़ेगा एक अच्छा स्टैंडर्ड, अगर आप लेबर अच्छा लेबर लेते हो जो स्किल्ड लेबर है तो वो आपको कम से कम आपको 1500 रुपए लेगा आपको लगाने का लेबर कॉस्ट ये सब कुछ। और ऐसे में ये इंग्लिश टॉयलेट लगाने का पूरा सिस्टम लगाने का पूरा ये कॉस्ट जो लगेगा आपका 1500 रुपए लेगा, और ऐसे में आपका टोटल कॉस्ट जो यहाँ पे 6970 रुपए बन जाता है। तो उसको मोटा मोटा हम आप ले लेते हैं कि 7000 रुपए में आप अपना एक इंग्लिश टॉयलेट सीट आप अपना लगा सकते हो विथ मटेरियल। अगर आपको इससे सस्ता पड़ता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, जो भी प्राइस है इससे क्या बेनिफिट होगा, कि आपको क्या कॉस्ट पड़ रहा है, ये हमारे सारे व्यूवर्स को भी पता लगेगा और वो भी उस हिसाब से बताएंगे। अपने शहर के हिसाब से जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपके शहर में ये चीजें आपको स्टैंडर्डली कौन से प्राइस का क्या पड़ रहा है आपको, ये मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। क्या मैं कोई गलती कर रहा हूं किसी प्राइस में, या आपके शहर में कौन सा प्राइस पड़ रहा है ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो वीडियो दोस्तों यहां पर हम समाप्त करते हैं। आई थिंक वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रही, आपको कैसी लगी वीडियो, जैसे मैंने कहा था वीडियो के एंड में आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके वीडियो कैसी लगी आपको। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी, उस हिसाब से मैं वीडियो में हर वीडियो में सुधार करने की कोशिश करता हूं कि आपको एक अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिले, क्योंकि इससे बेनिफिट क्या होगा दोस्तों कि मैं हर एक वीडियो में सुधार करता जाऊंगा, आपका कमेंट आएगा कि आप मुझे कहेंगे अच्छा लग रहा है, आपकी वीडियो खराब लग रही है, आपकी वीडियो में यह कमी थी, तो मैं उस हिसाब से अपनी वीडियो को और सुधार करता जाऊंगा। तो दोस्तों यहां वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। प्लस दोस्तों नए हमारे चैनल पे तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट आपसे, तो नीचे लाल का बटन उसको दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों तो ये मैं आपको ऐसे पूरा व्यू दे देता हूं, अब यहां से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।